नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात है। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। पीटीआई ने 40 एमएनएस और पंजाब से 107 एमपीएस की कंफर्मेशन फाइल की है, जबकि हमारे एमएनएस और एमपीएस में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप ही सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में सब जुडिस से उस पर अभी हेयरिंग होनी है, लिहाजा हमने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 एमएनएस की कन्फर्मेशन फाइल की है नेशनल असम्बली के, और इलेक्शन कमीशन के सामने हमने 107 एमपीए पंजाब की कन्फर्मेशन फाइल की है। हमारे सारे एमपीएस, हमारे सारे एमएनएस बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है, वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी, निशान जो भी हमें मिलेगा लोग खान साहब के नज़रिए के साथ है। खान साहब आप किसी निशान के मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शन में भी स्वीप करेगी इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के इलेक्शन डिले नहीं होंगे। कोशिश हुकूमत कर रही है क्योंकि इनको मालूम है इनको कोई लोगों ने तो इलेक्ट करना नहीं है, पहले से फॉर्म 47 की है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के इलेक्शन वक्त पे होंगे।